हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। ओके, स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, स्पिरिट्स आपको किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहते हैं, हम यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए चलिए देखते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। इस डेक से मैं सिर्फ एक कार्ड लूंगी। ओके, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। साइकल्स व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं कि साइकल्स यहाँ पर एंड हो रही हैं और शुरू भी हो रही हैं, लाइक एंडिंग्स और बिगिनिंग्स के बारे में बात हो रही है। और ये किस टाइप की साइकल्स है? ये कार्मिक साइकल्स है। ओके, तो यहां पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, जैसे आपकी लाइफ में अब तक कार्मिक साइकल्स चल रही थी, ये कार्मिक साइकिल कोई चल रही थी और अब ऐसा लगता है जैसे वो एंड होने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके अंदर निराशा, आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर दुख है, आपके अंदर सैडनेस है। पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब जिस वजह से आप सैड थे, जैसी भी सिचुएशन थी, अब उसमें एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, अब उसमें बदलाव आ रहा है, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो यहाँ पर अब आपकी परिस्थिति में बदलाव आ रहा है और एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। पुरानी जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस थी या जो फेजेस थे वो काफ़ी कार्मिक थे। ओके, वो सिचुएशंस बहुत कार्मिक थी, इसीलिए आपको बहुत सहना भी पड़ा। हो सकता है आपको बिट्रेयल का सामना करना पड़ा हो, चीटिंग का सामना करना पड़ा हो, आपके साथ चीटिंग भी हुई, आपके साथ बिट्रेयल भी हुआ, हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो कार्मिक साइकिल जो थी उसने आपको पूरी तरह एग्जॉस्ट किया, लेकिन आप अब एक लेसन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने कुछ सीखा है, आपको एक लेसन मिला है, आपको सीख मिली है और आप उस सीख को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। और ये जो नई शुरुआत हो रही है, ये जो न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, मुझे लगता है कि आप उस न्यू साइकिल में, न्यू बिगिनिंग में ताजगी का एहसास कर पाएंगे। ताजगी आपको फील होगी, फ्रेशनेस आपको फील होगी और एक नयापन आपको महसूस होगा, एक नएपन का एहसास होगा। आपको लगेगा कि जैसे आपका रीबर्थ हुआ है, क्योंकि जब न्यू साइकिल की बिगिनिंग होगी तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा। ओके, इस न्यू बिगिनिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होगा आपके पेन का, आपके पास्ट का। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके हार्ट की हीलिंग भी होगी। तो आप लोगों के हार्ट की हीलिंग भी स्टार्ट हो रही है। अगर आप अब तक किसी मिजरेबल, किसी सैड, किसी वल्नरेबल सिचुएशन में थे, बहुत सफ़र कर चुके हैं, तो अब ऐसा लगता है कि इस न्यू साइकिल के जो शुरुआती समय में ही, जैसे ही ये न्यू साइकिल की शुरुआत हो रही है, नए फेज की शुरुआत हो रही है, ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को हील भी कर पाएंगे, खुद की हीलिंग कर पाएंगे और एक फ्रेशनेस का एहसास कर पाएंगे, एक नएपन का एहसास कर पाएंगे। तो यहाँ पर साइकल्स के लिए आपके जो स्पिरिट्स हैं, जो भी आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं या डिवाइन स्पिरिट्स हैं, लेकिन आपको गाइड यही करना चाह रहे हैं, वो गाइड यही करना चाह रहे हैं व्यूअर्स की साइकल्स आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाती हैं। जो कार्मिक साइकल्स हैं उनसे आपका कार्मिक अकाउंट भी क्लियर होता है और साथ ही साथ आपको एक टीचिंग मिलती है, आपको कुछ सिखाया जाता है,
आपको टीचिंग दी जाती है और आप उससे एक लेसन सीख कर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप सफर जरूर करते हैं, लेकिन फिर आप अपने आप को हील भी कर सकते हैं और एक नई जर्नी के लिए इस रीबर्थ को वेलकम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका रीबर्थ हो रहा है, पुरानी कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं। न्यू बिगिनिंग्स के लिए, न्यू फेज के लिए आपको रेडी होना है, प्रिपेयर होना है। आपके स्पिरिट्स आपको ये गाइड कर रहे हैं। आइए मैं यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर करती हूँ। नंबर सिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर सिक्स हो सकता है 6 तारीख, सिक्स मंथ, कौन सा होता है सिक्स मंथ, जून होता है, जून 6 तारीख भी हो सकती है, 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, 6 साल, समथिंग अबाउट 6, ओके, यस, नाइट, ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मुझे लगता है व्यूअर्स, स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपका रीबर्थ हो रहा है, आपकी नई जर्नी की शुरुआत हो रही है, एक न्यू साइकिल की शुरुआत हो रही है। तो आपको नाइट की तरह बहुत ब्रेव होना होगा और ऑनेस्ट होना होगा। और ये दोनों बातें बहुत इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, कि अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने काम के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने खुद की आत्मा के साथ, डिवाइन के साथ, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो फिर ब्रेवरी अपने आप आती है। ज़्यादातर जो इंसान सच्चे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, वो बहादुर होते हैं, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो उन्हें किसी बात का डर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो न्यू जर्नी की शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग जो हो रही है, इसमें आपको ब्रेव रहना है और ऑनेस्ट रहना है, यानी कि डरना नहीं है किसी चीज से और ट्रूथफुल रहना है, सच्चाई का साथ देना है, ओके? तो ऑनेस्ट रहिएगा, चाहे आप जो भी करें ऑनेस्ट रहिएगा। दो कार्ड्स हैं, आई नीड जस्ट वन कार्ड एट वन टाइम, दैट्स व्हाई आई एम शफलिंग अगेन। होल्ड द स्पेस, ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू गाइज, होल्ड द स्पेस। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, जैसे जो पुराने कार्मिक साइकिल्स एंड हुई हैं, जो फेजेस आपकी लाइफ में खत्म हुए हैं, जो ओल्ड फेजेस आपकी लाइफ से ओवर हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट को हील करें और न्यू चेंजेस के लिए, न्यू सरप्राइजेस के लिए, न्यू बिगिनिंग के लिए अपने अंदर जगह क्रिएट करिए, या कहीं ना कहीं वो स्पेस होल्ड कीजिए अपने अंदर, जो सरप्राइजेस को एक्सेप्ट कर सके, न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, वेलकम कर सके नए चेंजेस को। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स, जब आप एक नई जर्नी में कदम रख रहे हैं, या आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको गाइड किया जा रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, ओके? जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकी लाइफ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस होंगे, मिरेकल्स होंगे, उन्हें धीरे धीरे आप एक्सेप्ट करते चले जाएं, वो अच्छा होगा। बिल्कुल भी रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है और गुड एनर्जी के लिए हमेशा अपने अंदर स्पेस क्रिएट करके रखना है, ओके? अगर आप अपने आप को हील भी करते हैं, आप अपने आप को हील करते हैं, अपने हार्ट को हील करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर देंगे। ये सब आप खुद करेंगे व्यूअर्स, यहाँ पर ये तो स्पिरिट्स तो सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं, करेंगे तो आप ये सब खुद अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे और आपको तैयार रहना है सरप्राइजेस के लिए। यस, आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, इसीलिए आप अपने अंदर, अपने दिल में उन खुशियों को समाने के लिए, उन खुशियों को अपने अंदर अंदर लाने के लिए जगह बना के रखिए ऑलरेडी। यस, बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ आने वाली हैं, सरप्राइजेस आपकी तरफ आने वाले हैं, आप बस जगह बनाना स्टार्ट कीजिए अपने दिल में, बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ अच्छा। ये रीडिंग बहुत अच्छी है, ये पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है, चेंज की तरफ इशारा कर रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। हम एक कार्ड और लेंगे इसी डेक से। आई जस्ट नीड, ओके, अगेन वॉरियर का कार्ड आया है।
व्यूअर्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था डरना नहीं है, ऑनेस्ट रहना है, और ये फिर से ये कार्ड कह रहा है बी फियरलेस। आई होप यू कैन सी दिस। वॉरियर के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, यानी कि जो आपको ठीक लगता है, जो आपको लगता है सच है, सच है, जो आपको लगता है सच है, ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, ट्रू है, उसके साथ आपको स्ट्रांगली स्टैंड करना है, यानी कि सच का साथ देना है और बिना डरे देना है, फियरलेसली। लिखा है बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, सच का साथ दीजिए और जो आपको सही लगता है उस बात पर अटल रहिए, अमर रहिए, उस बात को जरूर फॉलो कीजिए। ओके, तो एक वॉरियर की तरह आपको आने वाली न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करना है। एक जैसे वॉरियर होता है वो लड़ता है, फाइट करता है, ओके, अपना 100% देता है, ऑनेस्टी के साथ, अपना डेडिकेशन के साथ लड़ता है, सफर भी करता है, स्ट्रगल भी करता है, लेकिन उसके बाद भी वो एक वॉरियर ही है। ओके, तो आपने भी जो ये कार्मिक साइकिल से आप बाहर आ रहे हैं तब भी आप एक वॉरियर की तरह ही आगे बढ़ेंगे। ओके, यू विल स्टिल बी अ वॉरियर। ओके, इसीलिए आपको डरना नहीं है, ब्रेव रहना है, ऑनेस्ट रहना है, सच्चाई का साथ देना है और बहादुरी के साथ। ओके, यस, और सरप्राइजेस के लिए स्पेस क्रिएट करना है अपने अंदर, क्योंकि ऐसा लगता है कि इतनी खुशी आने वाली है कि आपको उनको समाने के लिए अपने दिल में जगह कम पड़ जाएगी। यस, yes, तो ये स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू जर्नी, फॉर द न्यू साइकिल, फॉर द न्यू फेज। ओके, सो आई होप सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक गाइज, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरीके की फीलिंग्स हैं, क्या आप कुछ नया अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, हाउ आर यू फीलिंग? ओके, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कैसी लगी है ये रीडिंग ये भी बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए हमारी छोटी सी क्यूट सी ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास नहीं करना है। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।